मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज कॉर्न सैंडविच। बहुत टेस्टी सैंडविच बनेगा, बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप इसको टी टाइम बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। चीज कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न्स, चीज, मेयोनीज, चीज स्प्रेड, अमूल बटर, धनिया, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। आइए बनाना शुरू करते हैं हम अपना चीज कॉर्न सैंडविच। इसके लिए हम ये ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। हमें चार स्लाइस जो है व्हाइट ब्रेड के लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ये चीज स्प्रेड हमने लिया है, ये अमूल का चीज स्प्रेड है। इसमें बहुत से फ्लेवर्स आते हैं, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। मैं जो है प्लेन फ्लेवर यूज कर रही हूँ। इसको हम जो है अपने स्लाइसेस ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड कर देंगे, ये चीज स्प्रेड को इस तरह से। चीज स्प्रेड बहुत ही बच्चों को टेस्टी लगता है और ये सैंडविच में जब लग जाता है ब्रेड के ऊपर और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। तो हम इसी तरह से सारी तरफ चीज जो है अच्छे से ब्रेड पे लगा देंगे। हमने चार स्लाइसेस लिए हैं, चारों पे हमने जो है ये ब्रेड चीज को स्प्रेड कर देना है। चारों ब्रेड के स्लाइस पे हमने चीज स्प्रेड लगा दिया है। अब हम बनाएंगे अपना बैटर। बैटर बनाने के लिए हमने एक छोटा बोल लिया है, इसमें हम डाल लेते हैं अपनी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को हमने धोकर अच्छे से फिर काटना है, तो बारीक बारीक हमने इसको काट लिया है। 3 से 4 चम्मच जो है शिमला मिर्च के हम डालेंगे। ये है गाजर, इसको भी हमने छील कर बारीक बारीक काट लिया है धोकर के, तो ये भी हम 2 चम्मच डाल देते हैं। ये हमारे पास कॉर्न्स है, कॉर्न्स भी डाल देंगे इसमें 3 चम्मच। आप ज्यादा पसंद करते हैं कॉर्न्स तो थोड़े ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं ऑरिगेनो। ऑरिगेनो जो है हमने गार्लिक वाली ऑरिगेनो लेनी है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो ये हम 1/2 चम्मच जो है इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी हम 1/3 स्पून से हल्का सा ज्यादा डाल देते हैं। आप कम ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, बच्चे खा रहे हैं तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। हमने चीज स्प्रेड भी लगाई है, उसमें भी नमक था तो नमक हम अपने थोड़ा सा कम रखेंगे, बिल्कुल चुटकी भर नमक डालेंगे क्योंकि हमने अभी इसमें प्रोसेस चीज भी डालनी है, उसमें भी नमक होता है। तो इसमें डाल लेते हैं हम अपनी मेयोनीज। हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब मेयोनीज डालनी है, 2 बड़े चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मेयोनीज अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं, इसका टेस्ट मेयोनीज का जो है बहुत बढ़िया आता है। एगलेस मेयोनीज है ये। तो ये हमारा बैटर जो है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम चाहते हैं अपने ब्रेड की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे अपने एक ब्रेड का स्लाइस, इस पे जो हमें हमने चीज स्प्रेड पहले से स्प्रेड करके रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हम डाल लेते हैं अपना बैटर और इसको स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से। हम सारी तरफ इसको स्प्रेड कर लेंगे इवनली बराबर का इस तरह से। कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है, बहुत ही टेंटिंग भी लग रहा है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। ये जो हमने हर्ब डाले हैं और ऑरिगैनो डाली है, इसकी स्मेल जो है बहुत ही ऑसम है। अब ये हमने लिया है चीज क्यूब, ये अमूल का चीज क्यूब है। इसको हम इसके ऊपर जो है ग्रेट कर लेते हैं इस तरह से, ग्रेटर की हेल्प से। ये हमने इसको ग्रेट कर लिया, इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा जो है चीज लग गया इस पे। अब हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर डाल देंगे इसी तरह से और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने लिया दूसरा स्लाइस और इस पे भी जो है हम अपनी बैटर को स्प्रेड कर देते हैं। फिलिंग बहुत ही टेस्टी हो तो ही सैंडविच का जो टेस्ट है बढ़िया लगता है। तो फिलिंग जो है आप अपने हिसाब से इसमें हर्ब्स डालें, हर्ब्स का फ्लेवर जो आता है वो खाकर बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये हमने देखा, आपने डाल दी अपनी बैटर, इस पर भी स्प्रेड कर देते हैं अपनी चीज़ ग्रेट करके।
बच्चों को चीज बहुत पसंद है, हर चीज में जहाँ चीज हो बच्चे खुश होकर खाते हैं, चाहे वो पिज्जा हो चाहे वो सैंडविच हो। इसको भी ढक देते हैं इस तरह से और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने तवे की तरफ। ये हमने तवा गैस पे रख दिया है, गर्म हो गया है। इस पे हम डालेंगे अपना बटर, अमूल का बटर लेंगे और इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। ये बटर हमने डाल दिया, और उसके बाद हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। गैस को तेज कर रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे अपनी ब्रेड, हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। तवा जो है नॉनस्टिक तवा है, हमने नॉनस्टिक तवा ही लेना है। अब इसके ऊपर रख देते हैं हम अपना थोड़ा सा बटर और ऊपर से इस तरह से। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे ताकि एक साइड से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। गैस को हम थोड़ा तेज रखेंगे, बटर के ऊपर भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया रख देते हैं और इसको मोड़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस तरह से करेंगे इसको, अब देखिए कितना जो इसका टेक्सचर है बढ़िया आया है। ये अमूल बटर से ही जो है इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट तो जो है अमूल बटर से दुगना होता ही है। इसका फ्लेवर अमूल बटर का बहुत टेस्टी, बहुत यमी होता है। तो कितना सैंडविच जो है यमी लग रहा है, दिल कर रहा है बस इसको फटाफट ये बन जाए और इसको खा लें। ये अंदर की जो चीज़ है आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा सैंडविच उठाकर, ये ब्रेड का पीस, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारा जो है अंदर से चीज़ी इफेक्ट आया है इसके ऊपर। इसको क्रिस्प होने देंगे अच्छे से, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे इस तरह से ताकि जो साइड पर बटर लगा हुआ है वो भी इसके ऊपर लग जाए। इसको हल्के हाथ से दबाते हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन इसको उसको मोड़ेंगे। बड़े ध्यान से मोड़िए ऐसे, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा क्रिस्पी हो गया ये। अब इसको हम एक मिनट के लिए रखेंगे इसके ऊपर और फिर इसको निकालकर सर्व करेंगे। इसी तरह से जो है हम बाकी का दूसरा सैंडविच भी बनाकर रेडी कर। चीज का सैंडविच बनकर रेडी है, इसको हम काटते हैं। ये देखिए कैसे चीज जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको हम करेंगे सर्व, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज ग्रेट कर देते हैं और डाल देते हैं हल्का सा धनिया। ये हमारा चीज कॉर्न सैंडविच बनकर रेडी हो गया है, टेस्टी चीज कॉर्न सैंडविच बना है। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, आपके घर में कोई आए उनको भी खिलाएं। अगर जरूर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।